swayam prabha digital india educated india namaskar स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है आज हम संविदा विधि के व्याख्यान संख्या पांच के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है अनुबंध करने की क्षमता मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय की सहायक प्राध्यापक हूँ आज कवर किए जाने वाले विषय इस प्रकार है भारतीय संविदा अधिनियम अठारह की धारा ग्यारह नाबालिग यानी कि माइनर की, की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम अठारह की धारा बारह विकृत चित यानी कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कौन होता है किसी भी कानून द्वारा अनुबंध करने से अयोग्य घोषित किया गया है जिसके अधीन वह है ये शब्द इन शब्दों से हमारा क्या तात्पर्य है ये भारतीय संविदा अधिनियम से लिए गए हैं माइनर का समझौता यानी कि माइनर्स अग्रीमेंट इसका नेचर एंड इफेक्ट यानी कि प्रकृति और प्रभाव इस पर भी चर्चा करेंगे नाबालिग के समझौते में पुनर्स्थापन का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्टिट्यूशन और हम चर्चा करेंगे अव्यसक यानी कि नाबालिग को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व यानी कि लाइबिलिटी हम शुरुआत करते हैं अनुबंध करने के लिए विधिक सक्षमता यानी कि कपैसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट धारा दस जो भारतीय संविधा अधिनियम की धारा दस है वहाँ पर सारे जो अनिवार्य चीज़ें हैं अनिवार्य जो कि रिक्वायरमेंट्स है जो समझौते को अनुबंध बनाती है उनमें से एक है कपैसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जब हम कपैसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि विधिक सक्षमता की बात करते हैं यानी कि संविधा संविधा में बंधने के लिए जो कैपेसिटी की बात करते हैं सक्षमता की बात करते हैं उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे देखते हैं क्या कानूनी अनुबंध में प्रवेश करने की योग्यता अधिनियम की धारा दस के तहत आवश्यकताओं में से एक है योग्यता का अर्थ है कानून के तहत एक अनुबंध में प्रवेश करने की क्षमता मैं फिर से आपको बताती हूँ इसका मतलब है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की धारा ग्यारह अनुबंध के लिए कानूनी योग्यता की अनिवार्यता बताती है यानी कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट धारा दस आपको बताती है कि धारा दस के तहत क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो एक समझौते को अनुबंध में परिवर्तित करती हैं. धारा ग्यारह उसके बाद आपको बताती है कि जब हम कहते हैं विधिक सक्षमता यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बात करते हैं लीगल कॉम्पिटेंसी कि हम जो बात करते हैं वो लीगल कॉम्पिटेंसी क्या है वो डिस्कस्ड है धारा ग्यारह के अंतर्गत इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है यानी कि कॉम्पिटेंट है और स्वतंत्र रूप से अनुबंध में प्रवेश कर सकता है स्वतंत्र यानी कि वॉलेंटर अपनी मर्जी से वो किसी अनुबंध में प्रवेश कर सकता है यदि ऐसा व्यक्ति व्यस्कता की आयु यानी कि एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर चुका है यानी कि वह नाबालिग नहीं है स्वस्थ मन का व्यक्ति है यानी कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड है तीन चीजें कही गई है धारा ग्यारह में सबसे पहले कि वह व्यक्ति नाबालिग नहीं होना चाहिए एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर चुका हो दूसरी चीज़ कि वह स्वस्थ मन का व्यक्ति होना चाहिए यानी कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए और उसके अलावा तीसरी चीज़ है कि किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए लागू किसी भी कानून के तहत वे अयोग्य नहीं घोषित किया हुआ होना चाहिए यानी कि वो किसी भी कानून के अंतर्गत डिसक्वालिफाई नहीं होना चाहिए किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अब हम आते हैं नाबालिग की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ माइनर माइनर है कौन क्या भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत माइनर की या नाबालिग की परिभाषा दी गई है इसका जवाब है इसका उत्तर है कि नहीं दी गई है यही लिखा है धारा ग्यारह के तहत कि पर्सन शुड बी शुड हैव अटेंड एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि वह नाबालिग नहीं है बस बाकी नाबालिग या बालिक का मतलब क्या है उसकी चर्चा धारा ग्यारह के अंतर्गत नहीं की गई है तो हमें यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि इसका तात्पर्य क्या है इसका मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि व्यक्ति नाबालिग नहीं होना चाहिए नाबालिग शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया था भारतीय व्यस्तता अधिनियम यानी कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऐसा कानून है जहां से हम माइनर की यानी कि नाबालिग की, की परिभाषा समझते हैं क्यों क्योंकि इंडियन मेजोरिटी एक्ट यानी कि भारतीय व्यस्कता अधिनियम ये बताता है कि व्यस्कता की आयु कितनी होती है यानी कि एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी होती है आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो उसी अधिनियम के अंतर्गत डिफाइंड होते हैं उनका परिभाषा उनका मतलब उनका मीनिंग उसी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया होता है पर उसके विपरीत कई बार ऐसा है कि एक शब्द एक से ज्यादा बार यानि कि काफी बार एक अधिनियम में दिया गया है पर उसकी परिभाषा वहां नहीं दी गई तो जिसके आ, आ, जैसे ये है आपके सामने एक उदाहरण कि वहां पे लिखा जरूर है व्यस्कता पर व्यस्कता है क्या उसकी आयु क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है तो उसके लिए जो जिस अधिनियम की हम मदद लेते हैं वे है इंडियन मेजोरिटी एक्ट यानी कि भारतीय व्यस्कता अधिनियम 1875 जिसकी धारा तीन के अनुसार व्यस्कता की आयु 18 वर्ष मानी जाती है आपने हमेशा ये तो आपने हमेशा सुना ही होगा कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है 18 साल पर वो लिखा कहाँ है आज आपको पता चल रहा है कि वह लिखा है भारतीय व्यस्कता अधिनियम के अंतर्गत की धारा तीन के अंतर्गत केवल अपवाद यह है यानी कि हम कहते तो है अठारह वर्ष की आयु जो है वो व्यस्कता की आयु है पर उसका भी एक अपवाद है एक एक्सेप्शन है जो उसी धारा के अंतर्गत लिखित है कि जब न्यायालय ने नाबालिग व्यक्ति या उसकी संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त किया है गार्जियन अपॉइंट किया है अभिभावक से हमारा तात्पर्य यहाँ है गार्जियन गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है ऐसे मामले में व्यस्कता की आयु 21 वर्ष होती है ये जरूर समझिएगा जनरल रूल ये कहता है कि 18 वर्ष की आयु व्यस्कता की आयु है एज ऑफ मेजोरिटी है पर उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट ने आपके लिए अभिभावक नियुक्त किया है जो नाबालिग व्यक्ति या उसकी संपत्ति का ध्यान रखने के लिए है ऐसे मामले में व्यस्कता की आयु 21 वर्ष होती है अभिभावक को किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति या दोनों की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है गार्जियन वो इसीलिए अपॉइंट करता है कि वे कि वे गार्जियन एक नाबालिग व्यक्ति या उसकी संपत्ति या दोनों का ख्याल या ध्यान रख सके वह उस व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण मानता है जिसके लिए उसे अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया है अभिभावक नाबालिग के व्यक्ति और संपत्ति की ओर से सभी कानूनी निर्णय लेता है ऑथोराइज है संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम गार्जियन और वार्ड्स एक्ट 1890 यानी कि 1890 के अंतर्गत अभिभावक नाबालिग के व्यक्ति और संपत्ति की ओर से सभी कानूनी निर्णय ले सकता है पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि वह निर्णय ले जरूर सकता है कानून उसे यह अधिकार दे रहा है कि वह निर्णय ले सकता है क्यों क्योंकि एक नाबालिग व्यक्ति को कानून इस योग्य नहीं मानता कि वो ये डिसाइड कर सके या वो अपने लिए ये निर्णय ले सके कि क्या चीज उसके लिए सही है या क्या चीज उसके लिए गलत जिसे हम ये भी कहते हैं कि माइनर्स कंसेंट जो है उसकी कानून के अंतर्गत कोई कीमत कोई मूल्य कोई वैल्यू नहीं है क्यों क्योंकि एक नाबालिग व्यक्ति को एक माइनर को इस योग्य नहीं समझा जाता कि वे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ले सके अब हम आते हैं विकृत चित्त का व्यक्ति कौन है यानी कि हु इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति का समझौता भारतीय संविधान अधिनियम के तहत वॉयड है यानी कि उसका कोई मोल कोई मूल्य नहीं है कानून के अंतर्गत वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका होना ना होना एक बराबर है उसे किसी किसी योग्य नहीं माना जाता इसके विपरीत अंग्रेजी कानून के अंतर्गत इसे वॉयडेबल माना जाता है जब हमारा पहला व्याख्यान था जब हमने सामान्य परिचय दिया था आपको संविदा विधि पर तब एक हमने आपको काफी डेफिनेशन बताई थी काफी शब्दों की परिभाषा के ऊपर चर्चा करी थी हमने आपको ये बताया था वॉइड क्या होता है पर वॉइडेबल क्या होता है वो नहीं बताया था तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बार आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि वॉइडेबल का मतलब क्या है देखिए वॉइडेबल का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को आप फ्रॉड का मतलब समझते ही है उसको सरल शब्दों में कहते हैं जान बूझ के किसी को झूठ बोल के उल्लू बनाना किसी को ये समझने पर मजबूर कर देना कि हाँ यही चीज जो है यही परिभाषा जो है उस चीज की सच्चाई है जबकि ऐसा नहीं होता तो वही वॉयडेबल का मतलब ये है कि आपने किसी को उल्लू बनाया किसी को ऐसी चीजें बताई जो आप जानते हो कि गलत है पर पर वो व्यक्ति नहीं जानता वो जो आप कहते हो उसी पे भरोसा करके आपके साथ अनुबंध में बंधने के लिए तैयार हो जाता है अब ऐसी स्थिति में आगे जाके जब उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि आपने उसको उसके अगेंस्ट फ्रॉड किया था यानी कि उसको उल्लू बनाया है आपने तब उस व्यक्ति के पास दो उपाय हैं कि वो दोनों में से कोई भी एक उपाय का कर चयन कर सके तो वो दो उपाय क्या है पहला उपाय ये है कि उसे पता है कि उसके खिलाफ फ्रॉड किया गया उसे पता भी नहीं था उसे उल्लू बनाया गया और उसने सविदा सविदा में वो बंद गया या अनुबंध में वो बंद गया पर अब उसे उस चीज़ के बारे में पता चल चुका है तो वो क्या कर सकता है वो ये कर सकता है कि वो ये निर्णय ले कि ठीक है चाहे फ्रॉड भी हुआ पर इस अनुबंध में मुझे फायदा तो मिल रहा है तो कोई बात नहीं मैं जाने देता हूं मैं इस अनुबंध में बंधे रहना चाहता हूं तो एक तो ये ऑप्शन है उसके 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 पास 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 एक तो उपाय 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 है 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 दूसरा उसके पास क्या है? दूसरा क्या कि कि वो चूज करे कि नहीं इस व्यक्ति ने मुझे मेरे खिलाफ फ्रॉड किया मुझे उल्लू बनाया मुझे ऐसी चीज सोचने पे मजबूर कर दिया जो वो जानता था ऐसी चीज मानने पे मजबूर कर दिया जो वो व्यक्ति जानता था गलत है झूठ है पर मुझे उसने ये सोचने पर मजबूर किया कि यही सत्य है और मैंने वही मानते हुए एक अनुबंध में खुद को बांधा है तो दूसरा उपाय मेरे पास ये है कि मैं अब पीछे हटना चाहता हूं मुझे पता सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं इस अनुबंध में बंधे नहीं रहना चाहता तो मेरा दूसरा उपाय ये है कि मैं पीछे हट जाऊं तो इन दोनों में से कोई भी उपाय का चयन किया जा सकता है जब हम ये बोले कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉडेबल है तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है हम फिर से ये पॉइंट को पढ़ते हैं अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति का समझौता यानी कि अग्रीमेंट देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि जो धारा दस के तहत अनिवार्य चीजों का चीजों के बारे में लिखा गया है उनमें ये जरूर लिखा गया है कि व्यक्ति जो है वो विधि द्वारा सक्षम होना चाहिए यानी कि लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए तो अगर वह व्यक्ति अस्वस्थ दिमाग का है यानी कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो वो लीगली कॉम्पिटेंट यानी कि विधि द्वारा सक्षम नहीं माना जाता किसी भी अनुबंध में बंधने के लिए तो अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति का समझौता भारतीय संविदा अधिनियम के तहत वॉइड माना जाता है यानी कि उसका कोई मोल नहीं है कानून के अंतर्गत अंग्रेजी कानून के विपरीत जहां पर अंग्रेजी कानून में उसको वॉइडेबल माना जाता है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा बारह क्योंकि धारा बारह जो है वो एक व्यक्ति के स्वस्थ दिमाग के ऊपर चर्चा करती है यानी कि जब हम ये कहते हैं पर्सन पर्सन ऑफ साउंड माइंड कौन होता है वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड यानी कि स्वस्थ स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति कौन होता है जो कि एक अनुबंध में बंध सके उस पे धारा बारह के तहत चर्चा की गई है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा बारह के अनुसार एक व्यक्ति को अनुबंध करने के उद्देश्य से स्वस्थ दिमाग का कहा जाता है यदि उस समय जब वह इसे बनाता है यानी कि अनुबंध में बनता है वह इसे समझने समझने और अपने हितों पर इसके प्रभाव के बारे में तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम है यानी कि वह व्यक्ति जब उस अनुबंध में बंध रहा है वो अच्छी तरह से ये चीज जानता है कि उस अनुबंध में बंधने से उसके हित पर उसके जैसे यहाँ लिखा है अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में वो एक रैशनल जजमेंट यानी कि तर्क संगत निर्णय ले सकता है यानी कि वो ये समझता है कि जो वो कर रहा है जिस अनुबंध में वो बंध रहा है क्या वो उसके हितों के पक्ष में है या उसके हितों के खिलाफ है क्या वो चीज़ सही है या क्या वो चीज गलत है वो ये चीज समझने के योग्य अगर है या उस चीज को समझने में सक्षम है जब वो उस अनुबंध में बंधने जा रहा है तब हम कहते हैं कि वो जो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है यानी कि स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है अब आगे देखें कि धारा बारह में और क्या लिखा गया है तौर पर अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ दिमाग का भी हो सकता है तो जब वह व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होने पर कोई अनुबंध करता है तो वह अनुबंध सही कहलाता है या उसे अनुबंध करने योग्य माना जाता है अब आम तौर पर स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति कभी कभी अस्वस्थ दिमाग का भी हो सकता है ऐसे स्थिति में जब वे अस्वस्थ दिमाग का है तब अस्वस्थ दिमाग होने पर वे अनुबंध नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि वह उस चीज में सक्षम नहीं माना जाता अब हम आगे पढ़ते हैं ये जो दो उदाहरण पॉइंट जो दो पॉइंट्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पहले जो दो उदाहरण हैं ये धारा बारह में से ही लिए गए हैं भारतीय संविदा अधिनियम में पागल खाने में रहने वाला रोगी जो अंतराल पर स्वस्थ दिमाग का होता है यानी कि जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा कि आम तौर पर अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति कभी कभी जब वह स्वस्थ दिमाग का होता है तब वह स्वस्थ दिमाग का होने पर अनुबंध कर सकता है उसी तरह पागल खाने में रहने वाला रोगी जो अंतराल पर स्वस्थ दिमाग का होता है उन अंतरालों के दौरान अनुबंध कर सकता है अब एक समझदार आदमी जो बुखार से बेसुद्ध है यानी कि उसको इतना तेज बुखार है कि वह अपने सुधी खो बैठा है या जो इतने नशे में धुत है कि वह एक अनुबंध की शर्तों को समझ ही नहीं सकता हमने अभी आपको बताया था कि जब आप अनुबंध में बनते हैं तो बहुत जरूरी है कि जो अनुबंध में शर्तें तय की गई हैं या जो वादे किए जा रहे हैं उसका आपके हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा सही प्रभाव होगा गलत प्रभाव होगा क्या प्रभाव होगा आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ ये लिखा है कि एक वैसे तो समझदार आदमी पर जो बुखार से बेसुध है या जो इतने नशे में है कि वह एक अनुबंध की शर्तों को समझ ही नहीं सकता या अपने हितों पर इसके प्रभाव के रूप में एक तर्क संगत यानी कि रैशनल जजमेंट तर्क संगत निर्णय नहीं बना सकता है जब तक इस तरह के प्रलाप यानी कि डिलीरियम या नशे में रहता है तब वे अनुबंध ऐसी स्थिति में वो अनुबंध नहीं कर सकता यहां एक केस के बारे में चर्चा की गई है चाको बनाम महादेवन यानी कि चाको वर्सेस महादेवन जो कि 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मन की अस्वस्थता तथ्य का प्रश्न है तथ्य का प्रश्न है यानी कि ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है सी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य का प्रश्न उसका मतलब ये है कि आप इस पर कोई एक धारणा नहीं बना सकते जो आगे आने वाले हर केस पर जो जिसे इस्तेमाल किया जा सके पर वो हर केस में अलग अलग होती है वो धारणा हर केस में अलग अलग हो सकती है वो डिपेंड करेगी कि उस केस में हुआ क्या था तो यही चीज यहाँ लिखी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मन की अस्वस्थता यानी कि जो हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बोलते हैं वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है यानी कि तथ्य का प्रश्न है जो कि केस टू केस अलग हो सकता है कोई एक धारणा नहीं बनाई जा सकती उसको लेकर इस मामले में मूल्यवान भूमि को मामूली राशि के लिए बेचा गया मेडिकल सर्टिफिकेट से साबित हुआ कि वह व्यक्ति शराब की मनोविकृति से पीड़ित था मतलब वो इतना पीता था इतनी शराब पीता था कि उसको अपने क्या चीज क्या निर्णय उसके हित में है या उसके हित पर उसके किसी भी निर्णय का क्या प्रभाव हो सकता है उसे इसके बारे में कुछ समझ नहीं थी क्योंकि वो इतने नशे में धुत रहता था हमेशा कि उसको कुछ समझ नहीं आती थी तो ये ये हुआ इस केस में कि जब ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है तो उसमें ये देखा गया कि एक बहुत ही मूल्यवान भूमि को मामूली राशि के तहत बेचा गया मैंने आपको एक पिछले एक व्याख्यान में ये बताया था कि जब हम कहते हैं कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन जो है वो कोई जरूरी चीज नहीं है उसका वो कोई अनिवार्य चीज नहीं है कंसिडरेशन जो है वो कानून के अंतर्गत होना चाहिए पर कितना होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं कहा जाता यानी कि जो व्यक्ति अनुबंध में बंध रहा है या अपनी जमीन को बेच रहा है वे उस पर निर्भर करता है कि वो कितने में अपनी जमीन बेचे बहुत ही मूल्यवान जमीन को भी अगर वह मामूली राशि में बेचता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसी बहुत ही मूल्यवान जमीन को बहुत ही मामूली राशि में अगर बेचा गया तो उस समय जो न्यायालय है उनको ये बात जरूर खटकती है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति सच में अपने इसने अपनी मर्जी से ये अनुबंध नहीं किया क्योंकि देखिए अपने आप से तो ये जो मसला है कोर्ट नहीं जाता ये जो मामला है कोर्ट खुद नहीं जाता ये मामला तभी कोर्ट जाएगा कि जैसे आप यहाँ देखिए मैंने अपनी मूल्यवान जमीन को बहुत ही मामूली दाम में बेच दिया अब बाद में जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ तब मैंने तब मैं न्यायालय गई तब मैं कोर्ट के पास गई कि कोई कानूनी उपचार किया जाए क्योंकि ये एविडेंस है अगर मैं बोलू आपको साक्ष्य है उस बात का जब मैं कोर्ट में जाके ये कहूंगी कि मैंने अपनी मर्जी से सुदबुद से इस अनुबंध में नहीं बनना चाहा है मेरे साथ मुझे उस समय सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी जब मैंने ये निर्णय लिया है तो ये एविडेंस का काम करता है कि जो कंसिडरेशन था वो कम था काफी कम था जितना वह एक्चुअली होना चाहिए था तो इस मामले में बिक्री विलेख यानी कि सेल डीड को रद्द कर दिया गया था क्योंकि कोर्ट को इस चीज का एहसास हो गया कि इस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से सूझबूझ से इस अनुबंध में नहीं बनना चाहा तो इसीलिए इस सेल डीड को जिसके अंतर्गत उसने अपनी मूल्यवान जमीन को बहुत ही मामूली दाम में बेचा था वो जमीन उसको वापस दे दी गई और वो बिक्री विलेख जो था उसे रद्द कर दिया गया अब देखते हैं आगे उस कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति जिसके वे अधीन है जब आप धारा ग्यारह पढ़ते हैं मैंने आपको कहा था कि धारा ग्यारह जो भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत है उसमें तीन ऐसी कैटेगरी का उल्लेख है जहां बताया गया है कि कौन से तीन ऐसी कैटेगरी है कैटेगरी के व्यक्ति है जो एक अनुबंध में बंधने योग्य है पहला हमने पढ़ा एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि व्यस्कता की जो आयु है अठारह साल वे वो पार कर चुका है दूसरी कि वो स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है यानी कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए तीसरा ये है कि वह व्यक्ति डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इस सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए यानी कि कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति जिसके वह अधीन है ऐसा व्यक्ति एक अनुबंध में नहीं बन सकता देखते हैं कि क्या धारा 11 के अंतर्गत क्या चर्चा की गई है और उसका एक उदाहरण भी समझने की कोशिश करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कुछ व्यक्तियों को कानूनी रूप से अनुबंधों में शामिल होने से रोक दिया जाता है और इस प्रकार वे अनुबंध करने में अक्षम होते हैं यानी कि सक्षम नहीं होते हैं कानून द्वारा वर्जित व्यक्तियों में विदेशी दुश्मन यानी कि एलियन एनिमी दोषी यानी कि कॉन्विक्ट व्यक्ति जिसका दिवालिया निकल चुका है इंसॉल्वेंट पर्सन साथ ही साथ विदेशी संप्रभु यानी कि फॉरेन फोर, सोवरेन और राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स शामिल है अब धारा 11 में ये लिखा नहीं है इतना विस्तार से आपको बताया नहीं गया कानून द्वारा वर्जित व्यक्तियों में कौन कौन आता है वहां सिर्फ यही लिखा है कि, कि किसी भी कानून द्वारा वर्जित व्यक्ति जो किसी अनुबंध में नहीं बन सकता वो भी वो वैसा व्यक्ति धारा के अंतर्गत कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि विधि द्वारा सक्षम अनुबंध में बनने के लिए नहीं माना जाता तो जब हम कहते हैं मैं एक बाकी तो सारी चीजें आप समझते हैं पर मैं आपको एक एलियन एनिमी यानी कि विदेशी दुश्मन इसका मतलब एक बार बता दूं ये मतलब जो है इसको मैं इसको आप इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन में या थर्ड पॉइंट में दिया गया है देखते हैं क्या मतलब होता है एलियन एनिमी का ए, ए नामक व्यक्ति जो एक्स नामक देश से संबंधित है यानी कि वे वहां का रहने वाला है कुछ वस्तुओं के लिए वो बी के साथ एक अनुबंध करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ गुड्स को कुछ वस्तुओं को लेकर बी व्यक्ति जो है वो वाई देश से है तो एक्स जो ए है वो एक्स में रहता है और जो बी व्यक्ति है वो वाई देश का रहने वाला है माल भेज दिया जाता है यानी कि जिन वस्तुओं को लेके अनुबंध हुआ था वे वस्तुएं शिप द्वारा भेज दी जाती है वो भेज दी जाती है लेकिन इससे पहले कि वे वाई देश तक पहुंच सके यानी कि बी तक पहुंच सकती एक्स देश वाई के साथ युद्ध की घोषणा करता है और A और ए बी के बीच दर्ज किया गया अनुबंध हो जाएगा यानी कि अब वो कानून की नजरों में उसका कोई मोल नहीं कोई वैल्यू नहीं है इसका तात्पर्य ये है एलियन एनिमी का मतलब ये ये है कि वे उस देश का रहने वाला है वो व्यक्ति जिसके साथ आप अनुबंध में बंधना चाह रहे हैं या बन चुके हैं वो व्यक्ति या तो अभी नहीं तो आगे जाके ऐसे देश का रहने वाला है जिस देश के साथ आपका देश युद्ध की स्थिति में है उसे हम एलियन एनिमी बोलते हैं एक और उदाहरण हमने यहां दिया है देखते हैं एलियन एनिमी का नहीं पर इस टॉपिक का जिसमें लिखा है कि जेल में सजा काट रहा व्यक्ति उस अवधि के दौरान एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है उसे भी माना जाता है अब हम आगे बढ़े नाबालिग के समझौते की प्रकृति अब हम आगे बढ़ते हैं नाबालिग के समझौते की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार नाबालिग अनुबंध करने के लिए अक्षम है यानी कि वे अनुबंध नहीं कर सकता लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम में ये कहीं नहीं लिखा कि जब एक नाबालिग व्यक्ति एक समझौता करता है उसका हश्र क्या होता है वो वर्ड है वोग है, वोग है, वोग है, क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई तो उल्लेख नहीं किया गया है कि नाबालिग के समझौते की प्रकृति क्या होगी क्या वे वर्ड होगा या वॉयडेबल हो माना जाएगा दोनों ही शब्दों का शब्दों की परिभाषा मैंने आपको अच्छे से समझा दी है तो इसीलिए हम अब आगे बढ़ते हैं देखिए इसका मतलब ये है क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम के तहत उसकी परिभाषा नहीं दी गई थी जिसकी वजह से ये मुसीबतें होती थी कि जो हाई कोर्ट थे अलग अलग हाई कोर्ट जो थे उच्च न्यायालय जो थे उन सब का अपना ही इंटरप्रिटेशन था नाबालिग के समझौते को लेकर कि कोई कहता था वो वॉइड है कोई किसी के अनुसार वो वॉइडेबल था तो जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी जिस इसका मतलब यह है कि कोई एक धारणा नहीं थी उस चीज को लेकर अलग अलग कोर्ट जो है वो अलग अलग उस चीज को इंटरप्रेट करते थे लेकिन 1903 में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति यानी कि जुडिशियल कमिटी द्वारा ये बहुत ही देखिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट केस है मामला है इस टॉपिक के अंतर्गत और नाबालिग के समझौते की प्रकृति को समझने के लिए मोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष के ऐतिहासिक फैसले में दिए गए निर्णय में मुद्दा हल हो गया यानी कि मोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष 1903 का प्रिवी काउंसिल का एक ऐसा मामला है जिसने पहली बार वो सिचुएशन यानी कि वो स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई नाबालिग समझौता करता है तो उसका हश्र क्या होता है उसमें बोल दिया गया कि वो वॉइड एब इनिशियो है मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए यानी कि शुरू से से ही जब से वो वॉइड है, है। यानी कि कानून के नजरों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता पहला निर्णय जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि एक नाबालिग का समझौता शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो था सामान्य धारणा है कि हर आदमी अपने हितों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है यानी कि अ पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज और हर ओन इंटरेस्ट नाबालिगों के मामले में ये निलंबित है यानी कि सस्पेंडेड है मतलब मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि नाबालिग व्यक्ति जो है उसे एस, उसे उसके आ, उसे ऐसा नहीं माना जाता कि वे खुद अपने हितों में, के पक्ष में निर्णय ले सके वो क्योंकि वह व्यक्ति ये नहीं समझता कि उसके हित में क्या है क्या नहीं अगर मैं सरल शब्दों में बताऊँ तो नाबालिग को बड़े आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है और वो किसी की बातों में आकर अपना निर्णय ले सकता है क्योंकि वो ऐसा नहीं माना गया कि वो अपने एक रैशनल डिसीजन यानी कि तर्कसंगत निर्णय ले सके एक जजमेंट आप यहां पे और देखेंगे श्री काकुलम सुब्रमण्यम बनाम कुररा सुबराव ये 1948 का जजमेंट है मामला है देखें इसमें क्या कहा गया है कि नाबालिक के लाभ के लिए और अभिभावक की शक्ति यानी कि पावर के भीतर अनुबंध बाध्यकारी माना जाता है यानी कि कोई अनुबंध अगर गार्जियन यानी कि अभिभावक बनाता है जो बनाता है किसी के साथ करता है जो कि एक माइनर यानी कि नाबालिग के लाभ के लिए होता है तो वो उस अनुबंध को बनाने में सक्षम है और वो अनुबंध बाइंडिंग माना जाता है यानी कि बाध्यकारी कहलाता है नाबालिग के समझौते का प्रभाव यानि कि इफेक्ट ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट नाबालिग के खिलाफ कोई एस्टॉपल नहीं होता अब एस्टॉपल का मतलब क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है देखिए एस्टॉपल का मतलब ये है कि मैंने आपको ये कहा कि मैं मेजर हूँ जो व्यस्कता की आयु है अठारह साल या उससे ऊपर वो मैं उत्तीर्ण कर चुका हूँ मैं हूँ अठारह साल से ऊपर मैं आपको ये चीज़ का यकीन दिला देती हूँ ये बात का यकीन दिला देती हूँ और इसी बात पे यकीन करके अगर आप मेरे साथ एक अनुबंध में बनते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आगे जाकर मैं बोल सकती हूँ मैं कोर्ट में जाके क्या ये चीज बोल सकती हूँ कि ये जो अनुबंध है मैं इसके तहत बंद नहीं बंधी जा सकती या मुझे इस अनुबंध के तहत बांधना उचित नहीं है क्यों क्योंकि मैं माइनर हूं या नाबालिग हूं तो ये जब हम कहते हैं नाबालिग के खिलाफ कोई स्टॉपल नहीं है मतलब कि अगर मैंने ये बोल दिया पहले कि मैं मेजर हूँ तो आगे जाकर मुझे कोई रोक नहीं सकता ये बोलने से कि भाई मैं नाबालिग थी उस समय पर जब मैंने ये अनुबंध किया या जब मैंने ये समझौता किया मेरे अगेंस्ट कोई एस्टॉपल नहीं आएगा एस्टॉपल का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे कोई ऐसी बात करी या आपको कुछ ऐसा बताया जिसपे आपने फिर आगे कुछ कर दिया या आपने उस पर एक्शन ले लिया अब एस्टॉपल ये कहता है। और फिर मैं आगे मुकर जाऊं तो एस्टॉपल ये कहता है कि जी आपने एक बार बोल दिया और सामने वाले ने उस पे उसके उसको मान रख कर कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसकी जो कानूनी स्थिति है वो बदल चुकी है अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं क्योंकि वे व्यक्ति वो चीज करता नहीं अगर आपने उसको ये बात ना बोली होती तो ये एस्टॉपल जो है माइनर के खिलाफ नहीं अप्लाई करता आगे देखते हैं यहाँ लिखा है कि नाबालिग को शैशवावस्था की रक्षा यानी कि डिफेंस ऑफ इन्फेंसी स्थापित करने से नहीं रोका गया है यानी कि पहले मैंने आपको कहा मैं मेजर हूं आगे जाके अगर मैं कोर्ट में ये बोलूँ कि नहीं मैं माइनर थी जब यह अनुबंध हुआ है तो मुझे रोका नहीं जा सकता कानून की नीति यह है कि कम आयु के व्यक्तियों को संविधात्मक दायित्व के से संरक्षण प्रदान किया जाता है यानी कि जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों की आयु कम होती है या नाबालिग होती है कानून की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उन व्यक्तियों के जो हित है जो उनके राइट्स है इंटरेस्ट जो है उनका उसकी सुरक्षा की जाए अनुबंध में या अनुबंध से उत्पन्न होने वाली अपकृत्य यानी कि अपकृत्य यानी कि टॉट में कोई दायित्व नहीं है यानी कि जो डायरेक्टली नहीं हो सकता उसे इनडायरेक्टली भी नहीं किया जाएगा ये मतलब है अनुबंध में, में दायित्व नहीं, नहीं हो सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या फिर कोई ऐसे टॉट के तहत जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुआ है जॉनसन बनाम पाई जो सोलह सो का जजमेंट है इंग्लिश केस है उसमें अपनी उम्र का जूठा प्रतिनिधित्व करके ऋण प्राप्त करने के करने वाले शिशु को धोखे के लिए नुकसान के रूप में धन के ऋण को चुकाने के लिए नहीं कहा जा सकता है यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई टॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टॉट तो है उसके अंतर्गत तो बात यह है कि यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तो ऐसा टॉट या अपकृत्य जो एक कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुआ है उसे भी उसके अंदर भी आप एक नाबालिग को नहीं बांध सकते हो पुनर्स्थापन का सिद्धांत यानी कि रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब यही है कि जैसी स्थिति शुरुआत में थी उसी स्थिति पर वापस जाना पुनर्स्थापन वापस से शुरुआत बड़ा फेमस केस है पुराना अंग्रेजी केस है इंग्लिश केस है बट उसका काफी प्रभाव आपको इंडियन केसेस में भी देखने को मिला मिलेगा आगे भी अभी चर्चा करेंगे केस का नाम है लेजली आर लिमिटेड बनाम शेल इसमें जो पुनर्स्थापन का सिद्धांत है यानी कि डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसे ले डाउन किया गया था उसमें ये कहा गया कहा गया था कि आप किसी कोई ऐसा अगर व्यक्ति है नाबालिग व्यक्ति है जिसने जिसको समझिए उदाहरण के तौर पे आपने अगर कोई वस्तु उसे दी और बाद में आपको ये पता चला कि भाई वो तो माइनर है यानी कि नाबालिग है तो क्या आप उस नाबालिग को या कानून उस को फोर्स कर सकता है कंपेल कर कर सकता है कि वो वस्तु वापस कर दे उसी व्यक्ति को जिससे उसने वो वस्तु जिसने उसे वो वस्तु दी थी तो रेस्टिट्यूशन जैसे शैल में कहा गया था उसके अंदर हाँ वो कर सकता है प्रोवाइडेड इट इज ट्रेसिबल इन हिस्स पोजेशन यानी कि वो उसी के पास पाया जा सकता है यानी कि वो वस्तु जो उस नाबालिग को दी गई थी इस व्यक्ति द्वारा, अभी भी अगर उस नाबालिग के पास है तो कोर्ट उसे वो वापस करने को कह सकता है पर लेजल शैल में ये कहा गया कि अगर वो वस्तु जो है वो पैसे हैं, अब पैसों के केस में आप नहीं कह सकते कि ट्रेसेबल इन पोजेशन होगा या वो वो पैसे रख के बैठा है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में रेस्टिट्यूशन नहीं हो सकता यह कहा गया था लेजली शेल में पुनर्स्थापन का सिद्धांत पुराने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की धारा 41 राहत की मांग करने वाला नाबालिग रेस्टिट्यूशन करने या उपयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है मोरी बीबी का जो जजमेंट था जो मामला था मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष उसमें एक ये चीज हो गई थी कि माइनर ने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो एक मेजर है और अपनी जो जमीन थी उसे गिरवी रखा अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और उसकी जो मां थी उसने सामने वाली पार्टी को दूसरे पक्ष को ये चीज इन्फॉर्म कर दी थी बता दिया था कि भाई ये माइनर है तो इसके साथ आप अगर कोई भी समझौता कर रहे हैं तो वो आपकी, आपका खुद का रिस्क होगा मत कीजिए पर फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने चालाकी करी और एक डेक्लेशन स्टेटमेंट पे उस नाबालिग के हस्ताक्षर करा दिए जिसमें ये लिखा था कि मैं व्यस्कता की जो आयु है उस तक पहुंच चुका हूँ यानी कि मैं मेजर हूँ और मैं ये अनुबंध में बंधने योग्य हूँ उस पर उसके हस्ताक्षर ले लिए और उसे जो भी उसने जो लोन मांगा था या जो कर्जा मांगा था उसके अंतर्गत कुछ जो सम था कुछ अमाउंट ऑफ मनी लगभग आधा दे दिया आगे जाके माइनर अब कोर्ट जाता है वो कहता है कि भाई ये जो हमारे बीच में मोर्डगेज हुआ है या जो मैंने गिरवी रखी है जो भी उसके कागजात है उस कागज को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं तो माइनर था जब ये कॉन्ट्रैक्ट जब ये अग्रीमेंट हुआ मौरी बीबी के, के केस में तो कोर्ट ने ये बोला कि बात तो सही है जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ पुराना था धारा इकतालीस जो उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था जब ये १९०३ का केस आया था तो कोर्ट ने बोला हाँ उसके अंतर्गत तो जो नाबालिग व्यक्ति है वो कोर्ट जा सकता है और ये जो कागजात बने थे कानूनी वो रद्द किए जा सकते हैं पर उसमें ये भी लिखा था कि अगर आपको कुछ फायदा पहुंचा है तो आपको वो वापस करना पड़ेगा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा पर इस केस में मोरी बीबी के मामले में ये स्थिति थी कि जिस व्यक्ति ने कर्जा दिया था उसे अच्छी तरह से मालूम था कि वो उस व्यक्ति जिसके साथ वो ये समझौता कर रहा है वो व्यक्ति उस योग्य ही नहीं है यानी कि वो नाबालिग है तो ये जानते हुए भी उसने उसके साथ समझौता किया तो इसीलिए उस दूसरे व्यक्ति को कोई भी कोर्ट ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया या कोई भी उपचार उसको नहीं मिल सका उसने काफ़ी कोशिश करी कि वो भारतीय संविदा अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत या फिर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की धारा इकतालीस के तहत कोर्ट से मदद की गुहार करे कि ठीक है आप इसको रद्द तो कर रहे हैं पर कम से कम जो कर्जा मैंने दे दिया है वो तो मुझे वापस मिले कोर्ट ने कहा कि मिल जाता स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा इकतालीस के तहत मिल जाता पर आपने जानते हुए ये समझौता किया है इसका फायदा आपको नहीं मिल सकता तो माइनर को तो जो उसने करार किया था आ, सामने वाले के साथ उसे तो कैंसिल कर दिया गया पर जो सामने वाले व्यक्ति ने कानूनी उपचार की गुहार लगाई कि मेरा पैसा तो कम से कम मुझे वापस मिले जमीन नहीं मिल रही तो वो कोर्ट ने नहीं माना नाबालिग को राहत दी गई क्योंकि पुराने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अग्रीमेंट को रद्द कर दिया था प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट जिसने पैसे दिए थे कर्जा दिया था ने अग्रिम धन की अदायगी के लिए प्रार्थना करी रीपेमेंट पर उसे नहीं मिला धारा चौसठ जो भारतीय संविधान अधिनियम की है उसके अंतर्गत उसने याचना करी प्रार्थना करी कोर्ट से कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए कोर्ट ने नहीं माना धारा पैंसठ के तहत उसने कहा कोर्ट ने नहीं माना क्यों नहीं माना कोर्ट ने ये कहा कि देखिए 64, 65, 64 जो है वो 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 ये कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो जो है वो है जो वो है वॉइड तब ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो रेस्टिट्यूशन के लिए कह सकता है पर यहाँ पर तो कोर्ट ने बोला कि भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो तब आएगा ना जब दोनों व्यक्ति जो अनुबंध में बंधने की कोशिश जो समझौता कर रहे हैं या जो अनुबंध में बंधना चाह रहे हैं वो दोनों व्यक्ति उस योग्य तो हो पर, पर उनमें से एक व्यक्ति वो योग्य नहीं था क्योंकि वह नाबालिग था तो कोर्ट ने बोला कि चौसठ पैंसठ तो अप्लाई ही नहीं कर सकता इसीलिए कोई उपचार चौसठ पैंसठ के अंतर्गत नहीं हो सकता फिर उसने कहा धारा अड़सठ के तहत यानी कि सिक्सटी एट के तहत भारतीय संविदा अधिनियम की देखे वहां क्या लिखा है यदि कोई व्यक्ति जो संविदा में प्रवेश करने में असमर्थ है यानी कि टू कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई भी जिसे वह कानूनी रूप से समर्थन करने के लिए बाध्य है यानी कि जो उसका डिपेंडेंट है जो व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर करते हैं यानी कि उसकी बीवी हो गई उसके बच्चे हो गए उसके माँ बाप हो गए वो कहा जाता है कानूनी रूप से समर्थन करने के लिए बाध्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जीवन में उसकी स्थिति के अनुकूल, life, के अनुकूल यानी कि आवश्यकताओं साथ आपूर्ति की जाती है यानी कि किसी व्यक्ति ने उस नाबालिग या उस असमर्थ व्यक्ति या उसके डिपेंडेंट्स को उसकी स्थिति उसकी जीवन की स्थिति के अनुकूल आवश्यकताओं के साथ उसकी आपूर्ति करी है अब मैंने उसको चीजें दी है तो उसकी आपूर्ति तो उसको तो मुझे कुछ मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उसको वो चीज प्रोवाइड कराई है तो कोर्ट ने में बोला कि आपने ऐसा क्या प्रोवाइड किया है क्या वो नेसेसरीज है नहीं क्योंकि जो इस प्रोविजन की या जो इस धारा की रिक्वायरमेंट है वो वहां पूरी ही नहीं हो रही थी तो लिखा है कि तो वह व्यक्ति जिसने ऐसी आपूर्ति प्रस्तुत की है ऐसे अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति का हकदार है यानी कि आप उस, उस असमर्थ व्यक्ति को तो नहीं बोल सकते वापस कीजिए, तो तो पर बोला गया यहाँ पर यह बोला गया धारा अड़सठ के तहत कि ऐसे अक्षम व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है जो उसकी संपत्ति है उसमें से उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी यानी कि उसमें से उसको वो जो पैसे बनते हैं रीइम्बर्समेंट जैसे आप कहते हो वो दिया जाएगा इस केस में इस मामले में जो मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष है प्रतिवादी को मोरी बीबी में राहत नहीं दी गई थी यानी कि डिफेंडेंट को जो कि मनी लेंडर था उसे कोई रिलीफ नहीं दिया गया मोरी बीबी के बाद खानगुल बनाम लाखा सिंह जो कि 1928 का लाहौर लाहौर उच्च न्यायालय का जजमेंट था मामला था वे न? आया उसके बाद अब खानगुल बनाम लाखा सिंह में ये हुआ कि जो माइनर था जो नाबालिग व्यक्ति था वो कोर्ट नहीं गया था उसके खिलाफ सामने वाली पार्टी कोर्ट गई थी कि मैंने जो उसको लोन दिया है यहाँ तो वो लोन मुझे दे नहीं तो वो प्रॉपर्टी मुझे दे क्योंकि उसने यही किया कि ये सामने वाले को यकीन दिलाया कि वो मेजर है फ्रॉड किया उसको यकीन दिलाया अब स्थिति ये है कि वो नहीं गया नाबालिग व्यक्ति कोर्ट नहीं गया उसके खिलाफ सामने वाला कोर्ट गया जबकि बीबी घोष में क्या था कि जो नाबालिग व्यक्ति था वो खुद ही कोर्ट गया था कि जो जो उनके बीच में कानूनी कार्रवाई जो हुई थी जो कागज बने थे मोर्डगेज के वो सब जो है रद्द कर दिए जाए यहाँ पर तो माइनर के या नाबालिग के खिलाफ वो आदमी कोर्ट गया है अब उस स्थिति में कानून के अंतर्गत चाहे आप भारतीय संविधान अधिनियम की बात कीजिए चाहे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कीजिए कोई भी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 था पुराना क्यों उसके उन दोनों ही कानूनों के अंतर्गत कोई उपचार था ही नहीं ऐसी स्थिति में जब नाबालिग व्यक्ति के खिलाफ कोई कोर्ट जाता है ऐसी ही स्थिति में उपचार दिया गया है जब वो नाबालिग व्यक्ति कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे उसके खिलाफ सामने वाला व्यक्ति कोर्ट गया है अब लेकिन ये जो मामला था बहुत ही आ, क्रिटिसाइज हुआ बहुत ही इस पर चर्चा की गई थी नेगेटिव चर्चा की गई थी क्यों क्योंकि इस मामले में जज ने न्यायाधीश ने क्या किया उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई लिखित में तो कोई कानून है नहीं पर हम ऐसे कैसे नाबालिग व्यक्ति को अपनी हरकत का फायदा उठाने देंगे उसने जो किया वो गलत था हम उसको कैसे उस चीज का फायदा होने दे सकते हैं अब ऐसी स्थिति में जज ने यह कहा कि इक्विटी इक्विटी नाम की भी तो कोई चीज होती है यानी कि भाई किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए तो कोर्ट ने यह कहा कि वो जो शेल में हमने पढ़ा था रेस्टिट्यूशन यानी कि अगर पैसा है जो आपने नाबालिग को दिया है तो वो आप नहीं कंपेल कर सकते उसको वापस देने के लिए क्यों क्योंकि वो एक तरह से अनुबंध को अपहोल्ड करने के बराबर होगा तो कोर्ट ने यहां बोला कि भाई वो कानून तो कोई लिखित में तो कोई धारा है नहीं इक्विटी लेकिन यह कहती है कि हमें इंसाफ करना चाहिए तो कोर्ट ने क्या कहा किया इस के, केस में मामले में कि वो नाबालिग व्यक्ति को पैसे लौटाने के लिए कहा और उसे वो पैसे लौटाने पड़े तो आगे जाके ये जो केस था ये जो जजमेंट था इस पे बहुत इसको बहुत नेगेटिव लिया गया क्योंकि लिखित में जब कानून है या कानून नहीं है आप ऐसे कैसे क्योंकि कानून तो हमेशा माइनर के या नाबालिग के हित में सोचता है यहाँ तो आपने उसके खिलाफ किया जो भी किया क्यों क्योंकि वो पैसा तो ट्रेसेबल इन पोजेशन था ही नहीं अब आया अजूदिया प्रसाद बनाम चंदनलाल का जजमेंट यहाँ पे दो नाबालिग लोग थे अब वो अठारह से ऊपर तो थे पर 21 से कम वर्ष के थे हमने देखा इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो है वो ये कहता है कि व्यस्कता की आयु जो है 18 है लेकिन एक अपवाद है जो हमने देखा था जहाँ पे वो इक्कीस वर्ष है तो ये जो दो नाबालिग व्यक्ति थे ये आते थे उस अपवाद के अंतर्गत उस एक्सेप्शन में यानी कि उन दोनों के लिए जो मेजोरिटी की एज थी वो इक्कीस साल थी ये बात उन्होंने सामने वाले व्यक्ति से छुपाई और कर्जा ले लिया गिरवी रख के जमीन कर्जा लिया अब बात आई कि क्या किया जाए क्योंकि फिर से यही हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जो था वो इन नाबालिग बच्चों के खिलाफ कोर्ट गया अब क्या किया जाए तो बात वही हुई कि वापस से कोर्ट जो थे कोर्ट ने को माना। माना धर्मदास घोष को वापस उसी पे चले गए उन्होंने नहीं माना खान गुल बनाम लाखा सिंह में क्या हुआ उन्होंने ये कहा कि इस केस में या इस मामले में कोर्ट जो है वो दोनों नाबालिग व्यक्तियों को फोर्स नहीं कर सकता कि जो उन्हें राशि धनराशि दी गई है जो कर्जा का जो पैसा उन्हें दिया गया है कि वो वो लौटाए स्पेसिफिक रिलीफ रिलीफ एक्ट एक्ट है, पहले था स्पेसिफिक हमने देखा 1877। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई इस बीच में इस बीच में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जिसके बाद नया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया 1963 में यानी कि आ, आ, और उसके अंतर्गत धारा तैतीस जो थी उसके अंतर्गत दोनों ही सिचुएशन यानी कि दोनों ही सूरतों में क्या उपाय होना चाहिए उसका जिक्र था यानि कि जब नाबालिग व्यक्ति खुद न्यायालय जा रहा है और ये कह रहा है कि जो भी कानूनी वारदात हुई जो भी हमारे बीच में अगर कोई आ, कोई भी किसी तरह का समझौता हुआ है तो उसे रद्द करार कर दिया जाना चाहिए और दूसरी स्थिति ये थी कि जब सामने वाला व्यक्ति माइनर के खिलाफ यानी कि नाबालिग व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट जाता है ऐसी सिचुएशन भी या ऐसी स्थिति का भी ध्यान रखा गया और उसका भी कानूनी उपचार जो है वो दिया गया है अब का जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसकी धारा तैतीस के अंतर्गत यानि कि पहले जो था सेक्शन जो धारा थी इकतालीस जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अठारह की थी वो अब 1963 यानी कि 1963 की धारा 33 में आती है और उसमें जो पहले जो धारा थी जो पहले लॉ था वो अधूरा था इस मामले को लेकर अब वह पूरा हो चुका है क्योंकि दोनों ही स्थितियों का दोनों ही स्थितियों में जो भी उपचार हो सकता है उनका जिक्र है इस प्रोविजन में यानी कि इस धारा के अंतर्गत अब हम आते हैं एक लास्ट एक छोटा सा बहुत एक टॉपिक है उसके बारे में भी आपको बताया जाना चाहिए लाभकारी अनुबंध यानी कि बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा हमने तब भी करी थी जब हमने प्रतिफल पे व्याख्यान किया था यानी कि कंसिडरेशन पे जब आपको लेक्चर दिया था तब हमने बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में की थी चर्चा जब हम पढ़ रहे थे आ, अनुबंध की गोपनीयता यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अपवादों के बारे में यानी कि एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अब हम आखिरी में पढ़ेंगे लाभकारी अनुबंध तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब हमने प्रतिफल के बारे में चर्चा करी थी तो हमने पढ़ा था बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी क्योंकि हमने वहां ये पढ़ा था एक्सेप्शन में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ ये लिखा था कि बना तो अनुबंध दो व्यक्तियों के बीच में है पर तीसरा व्यक्ति अगर उसका हित अगर वो जो अनुबंध है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए बना है या उसके लाभ के लिए बना हुआ है तो वो तीसरा व्यक्ति जो है अगर आगे कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी वादे को लेकर अगर कोई लड़ाई कोई दिक्कत आ जाती है तो वो तीसरा व्यक्ति भी कोर्ट जा सकता है कानूनी उपचार के लिए वही चीज यहाँ पर भी है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर जो अनुबंध बना है वो किसी नाबालिक के हित के लिए या नाबालिग के इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है उसके लाभ के लिए बना हुआ है तो वो नाबालिग व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कानूनी उपचार मांग सकता है क्योंकि वहां पे वो अनुबंध उसके लाभ के लिए बना गया है ऐसे में वो कोर्ट जा सकता है देखते हैं क्या लिखा है मोहरी बीबी में निर्धारित कानून उन मामलों से संबंधित है जिनमें एक नाबालिग पर दायित्वों का आरोप लगाया गया है यानी कि ये कहा गया है कि माइनर की लाइबिलिटी बनती है ये अलर्ज किया गया है ये आरोप लगाया गया है कि उसने ऐसा किया है झूठ बोला है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है और सामने वाली पार्टी नाबालिग के खिलाफ इस तरह के दायित्वों को लागू करने की कोशिश करती है यानी कि सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि इसकी लाइबिलिटी नाबालिग की लाइबिलिटी बनती है तो नाबालिग कोर्ट ये बोले कि जो उसको बेनिफिट हुआ लाभ हुआ वो वो वापस करे आज के टाइम में ये कानून है कि कोर्ट बोल सकता है कि अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है आपके एस्टेट को कुछ बेनिफिट पहुंचा है क्योंकि जो धारा तैतीस है उसमें ये चीज है आपके एस्टेट को बेनिफिट अगर पहुंचा है आपकी जो संपत्ति उसको किसी तरह का बेनिफिट पहुंचा है लाभ पहुंचा है तो कोर्ट बोल सकता है आपको कि वो चीज आपको वापस करनी होगी अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वो जो अनुबंध है बना ही माइनर के लिए उसी के ही हित के लिए वो बना हुआ है अब ऐसे में क्या करेंगे ऐसे में अब हम देखते हैं आगे मैंने यही सवाल यहाँ उठाया है कि लेकिन उन अनुबंधों का क्या जो नाबालिग के लाभ के लिए किए गए हैं उसके लाभ के लिए किए गए हैं और वो सामने वाला उसे तोड़ता है तब क्या किया जाएगा तब क्या माइनर या नाबालिक व्यक्ति कुछ कर सकता है नाबालिग के पक्ष में लागू किया जा सकता है वो अनुबंध लेकिन नाबालिग के खिलाफ नहीं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो जो हम इस, इस अपने आज के व्याख्यान को ख़त्म करेंगे तो उससे पहले मैं ये पॉइंट आपके समक्ष जरूर उठाना चाहती हूँ और आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हम कहते जरूर है कि माइनर के हितों के बारे में कानून है लेकिन ये बहुत जरूरी आप ध्यान रखिए कि मौरी बीबी जो है वो एक एक बात एक बात पे जिक्र करता है पर इस बारे में नहीं कहता कि उन अनुबंधों का क्या है जो नाबालिग के लाभ के लिए किए गए थे दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे में ये याद रखिएगा कि नाबालिग के पक्ष में लागू किए जा सकते हैं वो अनुबंध लेकिन उसके खिलाफ नहीं धन्यवाद